तुम्हारे नेक्स्ट सीन। यूजर नेम है सी हैज आकाश, पासवर्ड आकाश। यहां तक दिक्कत किसी को? रन क्यों आ रहा है? इंपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, ये दो लाइन से क्या हुआ? कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अलग अलग डेटाबेस के लिए अलग अलग यूआरएल्स हैं, बस दो लाइन बस चेंज करनी पड़ेगी। उसमें भी क्लास डॉट फॉर नेम ये जावा का पार्ट है, ये सेम ही रहेगा। ड्राइव कनेक्शन कॉन इक्वल टू, ये जावा का पार्ट सेम ही रहेगा। डेटाबेस के अकॉर्डिंग अंदर का पोर्शन चेंज होगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिटर्न में मिलेगा। एसटीएम ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लिए, ये कब मिलेगा? कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। रिटर्न टाइप क्या है? कनेक्शन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट। इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए क्या है? कंट्रोल दबाओ, सुपर माउस ले जाओ, क्लिक कर दो, सारा उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। स्टेटमेंट क्या है, ऑटो क्लोजेबल रैपर की, इसके अंदर कौन कौन सी मेथड है, सारी आ गई। मैंने सिर्फ दो मेथड बताई थी, सारी मेथड इसकी आ गई। ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट क्या है? गूगल में जाओ, क्लास का नाम स्पेस डॉक्स, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी विद ओरेकल की स्टैंडर्ड वेबसाइट से। ठीक है, ऐसी कोई नॉर्मल वेबसाइट से नहीं, ठीक है, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। कनेक्शन क्लास के अंदर स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड है, उसके अंदर उसको कॉल करने पे हमको क्या मिलता है? स्टेटमेंट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्वेरी को रन करेंगे। तो कौन सी क्वेरी है? एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि अपने को टेबल क्रिएट करना ना पहले। तो एक चीज और देख लो, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का रिटर्न टाइप है रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या है वो अभी आगे देखोगे। ठीक है, वो जो भी डेटा आता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए रिजल्ट सेट स्टोर होता है। और एग्जीक्यूट अपडेट, इसके लिए कोई हमको ऐसा एक अलग क्लास इंटरफेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपडेट हुआ कि नहीं उसके लिए इंट इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, और इसका रिजल्ट सेट। ठीक है, तो अभी अपन किसको यूज कर रहे हैं? एग्जीक्यूट अपडेट को, क्योंकि टेबल क्रिएट करना है तो इसमें तो डेटा मिलना नहीं है, नॉन सिलेक्ट क्वेरी हुई ना। नॉन सिलेक्ट क्वेरी हुई ना एग्जीक्यूट अपडेट, इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। तो जब रिटर्न टाइप इंट है तो एक्सेप्ट करने वाला भी इंट होना चाहिए। इंट के इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये मेथड को कॉल की, इसके अंदर लिखेंगे क्वेरी। जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेरी अलग होगी, बाकी जावा का पोर्शन अलग होगा। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या है? कस्टमर। एक चीज और, क्वेरी जो लिखा करो उसको कैच लॉक में लिखा करो। क्यों? क्योंकि दूर से दिख पता चल जाता है कि कौन सी एसक्यूएल क्वेरी है और कौन सी नहीं। ये प्रैक्टिस के लिए अभी अपन मिक्स भी कर देते हैं, बट जो स्टैंडर्ड एडिशन होता, जो स्टैंडर्ड होता है जो प्रोजेक्ट पे, उस पे क्वेरी को अपर केस में लिखते हैं और जावा के प्रोग्राम को लोअर केस में लिखते क्रिएट टेबल, क्योंकि एसक्यूएल तो दोनों सपोर्ट करता है। कस्टमर
ठीक है। पहला क्या है, कस्टमर आईडी, ठीक है, ये किस टाइप का रहेगा, नंबर टाइप का रहेगा, इंट भी लिख सकते हैं, MySQL में इंट चलता है, इंट भी लिख सकते हैं, बट इंट में क्या होता है, डिफॉल्ट आ जाता है उसकी साइज 255 तक। नंबर में क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, जितने नंबर देंगे उतने तक आएगा। कस्टमर आईडी, आईडी कर दिया सपोज हमने 5 कॉमा, कस्टमर नेम वो रहेगा वेर का है 2 टाइप का, नेम कर दिए सपोज 30 कॉमा, इंटर कर दिए। ठीक है, दिख रहा ना। चलो कस्टमर नेम हो गया, अगला क्या था, कस्टमर एड्रेस, ये रहेगा वेर का है 2 टाइप का, एड्रेस कर दिए सपोज 50, ठीक है। फिर कस्टमर मेल आईडी, ठीक है, ये भी हो जाएगी वेर कैट 2 टाइप की। वेर कैट 2 कब यूज करते हैं पता है ना, स्ट्रिंग के लिए, मिक्स के लिए, जब अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों हो और सिर्फ नंबर बस हो तो उसके लिए नंबर 30। अगला हो गया कस्टमर फोन, फोन हो जाएगा नंबर टाइप का, वो तो वेर कैर में होगा नहीं और फ्लोट में होगा नहीं, सपोज कर दी 13, 12 कर दी, 12 क्यों, 19 भी, 91 भी अगर वो ऐड करना चाहे तो, सौरभ कह रहा था प्लस भी अगर ऐड करना चाहे तो 13 कर दी, ठीक है। प्राइमरी की किसको बना देते हैं, कस्टमर आईडी को, ताकि वो एक ही आईडी के बार बार जनरेट ना हो सके। प्लस तो उठाएगा ही नहीं था हाँ, नंबर में कस्टमर फोन किसको नहीं उठाएगा, प्लस को बट जगह बना देते, उठाएगा तो वैसे भी नहीं, नहीं, वैसे क्लियर कर रहा हूँ मैं। नहीं 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 उठाएगा वो बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ नंबर स्टोर करेगा। प्राइमरी की या तो हम डायरेक्ट कस्टमर आईडी के बाद यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, या कि फिर उसको बाद में डिफाइन कर दें, दोनों ही केस में वो वर्क करेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी को हमने कर दिया प्राइमरी की, ये हो गई क्वेरी। अगर इस क्वेरी पे एरर नहीं आया तो जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े होगे, तो पहली लाइन ये लोड हुई, फिर दूसरी लाइन वर्क की, फिर इस ये काम की, ठीक है ना, फिर ये काम की। अगर इस लाइन में एरर नहीं आया तो अगली लाइन वर्क करेगी, अगर इस पे एरर आ गया तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कैच पे, लौट के इस लाइन पे वर्क, 19 लाइन पे नहीं आएगा, होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद फाइनली ब्लॉक लगा लेते हैं, किसके लिए, कौन डॉट क्लोज करने के लिए। अब दिक्कत क्या आ रही है बताओ जरा, बता सकता कोई, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, कनेक्शन को हमने क्रिएट किया कहाँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो ट्राई ब्लॉक के लिमिट कहाँ तक हो गई, यहां तक हो गई, तो हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं इसको, फाइनली के अंदर। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कनेक्शन को क्रिएट, ये कनेक्शन को क्रिएट करें बाहर और यहाँ पे यूज करें, है ना। इतना बड़ा कोई डेटाबेस ही हमारा नहीं है, इसलिए अपन इसको यहीं पे कर देते हैं, बट कनेक्शन को क्लोज करना कंपलसरी होता है।
रियल टाइम पे। क्यों कंपलसरी इसलिए होता है कि सपोज करो तुम इंस्टाग्राम के किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम किस लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तो यूज ही करते होगे, और कुछ करो ना करो आप कुछ यूज कर रहे हो, आपकी किसी गलती के वजह से कनेक्शन क्लोज नहीं होगा, एरर फॉल्ट क्रिएट हुआ आपके साइट से, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो डेटाबेस सर्वर पे है उधर क्रैश हो गया। तो कोई सो रहा था पोस्ट करके, सुबह देखूंगा कितने लाइक कमेंट आए, और उसकी तो आईडी डिलीट हो गई, उसकी क्या गलती है ना। बिल्कुल तो उस कंडीशन में कोई सभी एरर आए, सबसे पहले यूजर के साइड से कनेक्शन क्लोज होना चाहिए ताकि सर्वर को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है ना। इसलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लिखना कंपलसरी होता है, और कंपलसरी के लिए अपन किस ब्लॉक में लिखते हैं, फाइनली में, चाहे आग लग जाए ट्राई ब्लॉक में, कैच में लग जाए, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। समझ में आया? अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत क्या होगा, आपके डेटाबेस को दिक्कत हो सकती है, और डेटाबेस में कई कस्टमर्स का डेटा स्टोर रहता है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, रन करें, जार फाइल ऐड है, चलो। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली बिना एरर के आ गया, तो तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, है ना, ऐसे हल्का लगता है ना, जब खुद से करते हो तो एरर आता 4-5 बार में, फिर 6वीं बार में सही हो जाता, तब लगता होगा कि हाँ कोई एक बड़ा बिल्कुल प्रोग्राम किए, ऐसे एक बार में लिख दिए सही आ गया तो मजाक लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर सकते हैं, थ्रोज लिख देंगे, माई स्क्वेल में थ्रोज यूज कर देंगे, ठीक है। ओरेकल में कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, ये लो किसने, किसको डाउट आया इतना बड़ा, ये लो थ्रोज, एक्सेप्शन, ये लो, कोई दिक्कत, ठीक है। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर दोबारा क्रिएट करेंगे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही नाम की बार बार टेबल थोड़ी क्रिएट होगी, आ गया। द नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, चेक करने के लिए कि सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा ना हो कि लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट इसलिए आ गया हो, तो क्या करेंगे, रन एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन किए और उस पे जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह माई एसक्यूएल से भी एक टेबल बना लेंगे, माई एसक्यूएल के डेटाबेस में भी, उसमें से भी बना के दिखा देता हूं, और रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं किसके लिए, माई एसक्यूएल वालों के लिए, ठीक है। 04 विद, समझ में आया, और एकल दिक्कत देखो उनको क्या लग रहा है, वो टेबल नहीं दिखा रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, दिखा किसको इतना बड़ा डाउट आया था, किसको इतना बड़ा डाउट आया था। अच्छा दो देखो, नेक्स्ट, टेबल का नेम क्या है, यार ठीक है, यही सेम टेबल माई एसक्यूएल में क्रिएट करते हैं, एक अलग प्रोजेक्ट लिए, सबसे पहले इसको डिलीट किए, नहीं करेंगे तो एरर आएगा,
जार फाइल ऐड करेंगे, नहीं करेंगे तो आएगा। कनेक्टर जे अप्लाई अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। अच्छा एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डीबी कनेक्शन विद माई एसक्यूएल, पैकेज का नाम पेस्ट, मेन मेथड फिनिश। चलो वही दो तरीके हैं, ट्राई कैच या फिर थ्रोज, ठीक है। क्या थ्रोज यूज करें, ट्राई कैच? लाइन क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम, MySQL के लिए क्या है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। सेकेंड कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तो आज एक न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जल्दी तो नहीं है किसी को? कौन सा डेटाबेस यूज किए थे? स्प्रिंग। ठीक है, तो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले पासवर्ड कनेक्टेड क्या होते हैं? हाँ जावा से ही डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। जी क्रिएट डेटाबेस ड्यूकेट नाम से, ठीक है। ड्यूकेट नाम से एक डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर टेबल बनती रहेंगी। क्या दिक्कत है, डीबी है क्या? क्रिएट किया तो क्या हो गया? अच्छा, यूज डेटाबेस नेम, यूज डेटाबेस। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। ठीक है, चेक कर रहे थे हम। तो इसमें क्या है, पहली लाइन जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल ट्रिपल स्लैश डायरेक्ट डेटाबेस का नेम, ठीक है। डेटाबेस का नेम क्या है, ड्यू कैट, ठीक है। यूजर नेम
ये दो लाइन तो कल ही बता दिए थे, उसके बाद वही सेम क्वेरी वाला पोर्शन है। इतना समझ में आ गया ना, कॉपी कर दे इसको, दोबारा लिखे। स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट अपडेट, ये क्वेरी का पोर्शन है, ठीक है। इंट, वेर केयर, अच्छा प्रिसीजन इसमें भी देना पड़ेगा। टू हटा देते हैं। अच्छा और कहीं कस्टमर ने, चलो सेव, ठीक है ना, रन किए। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं। ये माई एसक्यूएल ओपन है, एसक्यूएल नहीं है, ठीक है ना। बाय डिस्क्राइब कस्टमर, ठीक है। सेम प्रोग्राम जेडीबीसी ओरेकल से, सेम माई एसक्यूएल से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस जेडीबीसी वाले पैकेज में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम लिख लें इंसर्ट के लिए। तुम लोग का असाइनमेंट भी यही है कि टेबल क्रिएट करना है और वैल्यू को इंसर्ट करना है। दो अलग टेबल बनानी है, वो टेबल बताता हूँ कौन सी बनानी है। और अगर दोनों डेटाबेस यूज कर रहे हो तो दोनों से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक कर रहे हो तो एक से ही करो, टेबल क्रिएट करना और वैल्यू को इंसर्ट करना, ठीक है। तो थर्ड में एक और क्लास बनाते हैं, ये किसके लिए रहेगा, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जेडीबीसी 03 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जार फाइल अटैच है, तो हमको बार बार अटैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू इंसर्ट, स्टार्टिंग की दो लाइन सेम रहेंगी, रहेंगी ना। दो लाइन कॉपी कर लें। यूआरएल ही बस तो है, क्लास डॉट फॉर नेम और कनेक्शन। इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने में नॉन सिलेक्ट क्वेरी है, नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर, अच्छा स्टेटमेंट इंटरफेस अभी बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट इंटरफेस कब मिलता है, जब हम कनेक्शन क्लास के अंदर क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करते हैं। तो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, हमको रिटर्न में क्या मिला, स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस मिला, इस स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, वो किसके लिए, नॉन सिलेक्ट क्वेरीज के लिए। तो नॉन सिलेक्ट के लिए रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर के इक्वल टू एचटीएम डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, पे लिख देते हैं इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। ये वैल्यू पहला क्या था, कस्टमर आईडी, दूसरा नेम, नेम स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन में, ठीक है। दूसरा क्या था, एड्रेस,
आईडी फिर फोन नंबर, ठीक है। अगर ये लाइन वर्क कर गई तभी कंपाइलर नीचे आएगा, अदरवाइज यहीं से ऊपर चला जाएगा। कनेक्शन क्लोज, कोई दिक्कत, रन करें। रिकॉर्ड इंसर्टेड, चेक करने के लिए ये एसक्यूएल है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेम चीज माई एसक्यूएल से करते हैं, कोई दिक्कत ओरेकल में? इन सब को उठा के क्या कर देते हैं, स्टार लगा दें। ठीक है, उसी तरह फोर पे माई एसक्यूएल है, इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास, क्लास का नाम वैल्यू इंसर्ट, माई एसक्यूएल मेन मेथड। अच्छा मीटिंग क्लोज तो नहीं हो गई? 6 मिनट है, बहुत है अभी। ऑनलाइन समझ में आ रहा सबको? चलो दो लाइन फिर से कॉपी कर लें कि लिख दें। क्लास डॉट फॉर नेम बताना क्या है, बोलो जल्दी। कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेटीबीसी डॉट ड्राइवर, ड्राइवर में कैपिटल डी है, ठीक है। ये कौन सा एरर थ्रो करेगा? थ्रोज क्लास नॉट अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो करें या फिर डायरेक्ट एक्सेप्शन। डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है। सेकंड क्या है, कनेक्शन वन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूजर नेम URL क्या है, JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन ट्रिपल स्लैश ड्यूकेट, यही है। यूजर नेम, एक चीज छूट रहा है क्या? चलो पासवर्ड है, ठीक है। इन दो लाइंस में क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद वही वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है ना। वैल्यू इंसर्ट करना है ना, एग्जीक्यूट अपडेट। कौन डॉट
क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद int k equal to stm dot execute update, यहां पे क्वेरी लिख देते हैं क्वेरी सेम बैक से कॉपी कर दो। कहां गया? अगर जैसे सिलेक्ट वाली क्वेरी लिखेंगे तो वो जो टेबल है वो एसक्यूएल पे ओपन होगा या फिर जेडबीएस पे? एक्लिप्स पे। एक्लिप्स पे कहां गया वो? ठीक है ना, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, ये सब हो गया सेव, रन किए। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, माई एसक्यूएल में गए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ठीक है, क्या सिलेक्ट का एग्जांपल चाह रहे हो? कितना टाइम बाकी? इसी में कर दे, कल देख लो, क्योंकि जब रिजल्ट सेट में वैल्यू आ जाएगी तो उसमें से एक 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 वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ प्रिंट कराने के लिए, और उसके लिए वाइल लूप लगानेंगे, तो वो फिर टाइम लग जाएगा, मीटिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? तो मैं ये दोनों प्रोग्राम भी इसमें ऐड कर देता हूँ। आपने देखी है सर? किसको? नहीं, आज स्क्रीन पर रखी थी। चलो अभी दो मिनट बाद देख लेना। ठीक है, तो इसको ऐड कर देता हूं और असाइनमेंट जो दूंगा उसको कल सब करके आना। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया हो तो, ना आया हो तो पूछ लो अभी ऑनलाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलो।